जैसे कि आप लोगों ने मुझे पूछा कि मेरा जो सेटअप है वो कैसा है और मैं जो नई वीडियो बना रहा हूँ किस तरह से मैंने ये सारी चीजें की हैं और लाइटिंग के लिए मैंने क्या किया हुआ है, तो आइए चलो। ये मेरी सारी फ्लूट्स हैं, इनका सेटअप से कुछ लेना देना नहीं है, और ये मेरा सारी चीजें हैं, इसमें मेरे सारे सीक्रेट्स उसमें रखे हुए हैं। ये मेरा सेटअप है, अभी वो थोड़ा कर्टेन थोड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो ये मेरा सिंपल सा सेटअप है। इस सेटअप का किसी उससे कुछ लेना देना नहीं है कि बहुत सारा पैसा कुछ नहीं है, बस ये किताबें हैं जो कि मैंने लाइफ टाइम जितना हो सकता था उससे एक इकट्ठी की हुई है। ऑलराइट, सो जैसे कि आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, कोई तो बहुत महंगी चीज़ें नहीं है। हाँ, महंगी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं, जैसे कि ये लैपटॉप, अगर आपको आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो आप यहाँ पे अपना एक पेपर लेके बना सकते हैं, ठीक है, चीज़ें। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये लाइट की वजह से हो रहा है, ये मेरा लाइटिंग का सेटअप है। अब ये छोटा सा ये स्टैंड देख रहे हैं, ये छोटा सा स्टैंड है, इसी पे मैं अपना सेलफोन लगा लेता हूँ और आराम से इसे बना लेता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली जो ये, अगर मैं लाइट को ऑफ करूँ तो ये आपको दिखेगा कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं। वो पीछे बैकग्राउंड को छोड़ दीजिए क्योंकि वो वीडियो में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी ये जो है यहाँ पर मेरी PPTs होती हैं जिनके थ्रू मैं यूजुअली कंटेंट को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंटेंट मिल जाए। तो आइए मैं आप लोगों को अपनी लाइट का सेटअप दिखाता हूँ, ठीक है। लाइट से काफ़ी फर्क पड़ता है, लाइटिंग कैमरा उतना नहीं, कई लोग DSLR तो ले लेते हैं, लेकिन कैमरा उसके लिए लाइटिंग की कोई पर्टिकुलर चीज़ें सोचते नहीं हैं। तो ये मेरा सिंपल सा, ये पीछे से अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये मेरा सेटअप अब है जिसमें मैं बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मैंने स्टूल भी रखा हुआ है और उसको बुक्स के ऊपर से रखा हुआ है, और आप यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यार ये भी सारी की सारी इंग्लिश लिटरेचर की ही आपको बुक्स दिखने को मिलेंगी बहुत सारी। ओके, तो ये मेरा छोटा सा सेटअप है और इसी सेटअप को लेकर मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लाइट और विदाउट लाइट का कितना फर्क पड़ता है सेम कैमरे से। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो अभी शूट हो रहा है जो कि एक नॉर्मल लाइट जो कैमरे की कमरे की होती है, कैमरे की नहीं कमरे की होती है, उससे शूट कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। तो कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना, ठीक है। ये इतना स्मार्ट इंसान काला काला सा अजीब सा लग रहा है। ओके, अब देखिए जस्ट किडिंग। तो चलिए अब इसमें देखिए, ये देखिए चमत्कार लाइट का, ये बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय की कैमरे की। आप कैमरा और ये जो लाइट का सेटअप है, मैं आपको बता दूंगी, ये 2000 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपको 2000 नहीं भी खर्च करने तो आप एक सिंपल सा बल्ब ले सकते हैं और ये एक छोटी सी छतरी ले सकते हैं, और 400-500 रुपए में आपका अच्छा सा सेटअप, आप थोड़ा बहुत अपना इंडिया जुगाड़ पे चलते हैं आप भी कर सकते हैं, यू कैन इम्प्रोवाइज द थिंग्स, ठीक है। और इस तरह से आप अपना शुरू कर सकते हैं प्रोग्राम पढ़ाने का, एटलीस्ट पढ़ाने के लिए ये सेटअप आपका अच्छा काम करेगा। या मुझे लगता है कि इस सेटअप में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर टेक वीडियोस बनाना चाहते हैं या आप एजुकेशनल वीडियोस बनाना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इस सेटअप में आप कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो, आप लोगों को इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी या मोटिवेशन मिला होगा कि इससे भी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आप लैपटॉप की जगह आप एक पेज रख सकते हैं जिससे कि आपको कंटेंट की हेल्प मिलती रहे। अगर आप कम टाइम में अपना कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पर डे वीडियो अपलोड करने की सोचता हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो यूट्यूब से एक्चुअली इस तरह से वो करना नहीं है। यूट्यूब मुझे हेल्प करता है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे मैं शेयर कर देता हूँ, राइट। मैं ये नहीं है कि मुझे कुछ प्रोफेशनली इसको वो करना हो। हाँ, वो अलग बात है कि नाउ आई एम विद 20,000 सब्सक्राइबर्स, और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी डील थी जब मैंने शुरुआत की थी, आई नेवर थॉट ऑफ दिस। सो फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको और बेहतर कंटेंट अपने सब्सक्राइबर्स को दे सकूँ, इसलिए मैं PPTs की हेल्प लेता हूँ और उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ती है जब भी, तो डिस्क्राइब करता हूँ। एंड आज भगवान की दया से सब कुछ ही है। ओके, सो लेट्स शेयर नाउ द नॉलेज आई हैव विद यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। Guys, thank you so much for your visit to our family. We need your support and love. Please press subscribe button and bell icon. It's totally free. Good luck for you.